दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है? और गो एयर इंडिया फ्लाइट वाले हमेशा लड़कियों को ही एयर होस्टेस क्यों बनाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं? साथ ही में आईफिल टावर के टॉप पे एक सीक्रेट केबिन है, क्या आपको पता है? और इस दुनिया का सबसे बड़ा खड्डा कितना गहरा हो सकता है? आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही बहुत सारे मजेदार फैक्ट जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये वाला जो फैक्ट है वो कार्स लवर्स के लिए है। दोस्तों, आप सभी तो बेंटली कार को जानते ही होंगे, वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कारों में से एक है। और जो भी इंसान एक बेंटली कार खरीदता है वो चाहे तो उसकी जगह तीन अच्छी कार खरीद सकता है, मतलब वो इतनी महंगी कार है। लेकिन रुको, जो व्यक्ति एक बुगाटी सेंट्रॉइड लेता है वो उसकी जगह 84 कार्स, वो भी एकदम लग्जरी कार्स, साथ ही में 3 जेट्स और एक याच का मालिक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो ये सब चीजें ले सकता है अगर वो बुकाटी सेंट्रॉइड ना ले। और साथ ही में ये कार इस पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही बनाई गई है, और उसमें से एक कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी के पास है, जो कि एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी इंडिया के गो एयर फ्लाइट में सफर किया है तो आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि वहाँ पर जितने भी एयर होस्टेस है वो सारी लड़कियाँ हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बाकी फ्लाइट्स में देखा जाए तो वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं, तो गो एयर वाले ने सिर्फ लड़कियों को ही क्यों रखा है? पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। उन्होंने लड़कियों को इसलिए रखा है क्योंकि लड़कियों का जो वजन होता है वो लड़कों से काफी कम होता है, और इसके चलते गो एयर फ्लाइट वाले लगभग $5 लाख तक का फ्यूल बचा लेते हैं हर महीने। और अगर ये इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 3,69,88,500 रुपीज, मतलब ये इतना सारा पैसा बचा लेते हैं बाकी एयरलाइंस के बराबर, सिर्फ अपना दिमाग यूज करके। अमेजिंग, क्या बिजनेस माइंड है। दोस्तों, आप सभी तो आईफिल टावर को जानते ही होंगे, जो कि बसा हुआ है फ्रांस के पेरिस में, और वो देखने में इतना अच्छा लगता है कि सबका मन करता है कि वहाँ पर एक बार तो जरूर जाए। लेकिन क्या आपको पता है, आईफिल टावर के जो डिजाइनर है गैस्टिन आईफिल, उन्होंने एक सीक्रेट अपार्टमेंट बनाया है खास अपने लिए, वो भी आईफिल टावर के टॉप पर, जहाँ से वो पूरे पेरिस को देख सकते हैं। मतलब एक बार आप सोचो जरा कितना मस्त व्यू आता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अप्रैल फुल जो है वो खाली स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे मनाते हैं? नहीं, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, क्योंकि एक बार अप्रैल फुल के दिन नासा, जिनका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने वो पूरी दुनिया के साथ एक इतना बड़ा मजाक किया था कि सारी दुनिया हैरान हो गई थी। उन्होंने ये अनाउंस किया कि उन्हें मार्स पे पानी मिल गया है, और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। फिर अगले दिन जब सबको पता चला कि वो सिर्फ एक प्रैंक था, तो पूरी दुनिया शॉक में आ गई कि नासा भी अप्रैल फुल सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर बनाना कब क्यों होते हैं? हालांकि बहुत ही रेयर बनाना होते हैं जो कि बहुत एकदम स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ज्यादातर बनाना कर्व्ड क्यों होते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि बनाना जो है वो सन की तरफ ग्रो होता है, और जब वो ग्रो होता है तो उस समय एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है नेगेटिव गोट्रोपिज्म, और इसी के चलते बनाना का जो शेप है वो कर्व्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया साल 2011 तक बियर को अल्कोहल नहीं मानता था? जी हाँ दोस्तों, वहाँ के गवर्नमेंट का कहना था कि जिस भी चीज के अंदर 10% से कम अल्कोहल हो वो एक सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाएगा। पर साल 2011 के बाद रशिया में बियर को भी अल्कोहल कहा जाने लगा, क्योंकि धीरे धीरे बियर के अंदर अल्कोहल की मात्रा बढ़ रही थी। पहले वहाँ पे सिर्फ मात्रा थी 3 या फिर 4%, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर अल्कोहल की मात्रा बढ़ाती गई और बियर को अल्कोहल बनाया गया। दोस्तों, आप सभी को तो चीज़ जरूर पसंद ही होगा, क्योंकि वो इतने सारे आइटम में यूज़ किया जाता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता और बहुत सारे आइटम में, जो कि इन सब आइटम को एक अलग ही स्वाद देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ कितने रुपए तक का हो सकता है? आपको क्या लगता होगा, 500, 1,000, 2,000? नहीं, इतने में तो उसका एक पार्ट भी नहीं आएगा। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो कि 44,396 रुपीज़ पर केजी का है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ इतना एक्सपेंसिव क्यों है। ये चीज़ इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम मिलता है, और साथ ही में इसे बनाने के लिए डोंकी के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, और एक केजी चीज़ बनाने के लिए 25 लीटर से भी ज़्यादा दूध का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये दुनिया का सबसे महंगा चीज़ माना जाता है। दोस्तों, एक बार रशिया ने एक बहुत बड़ा खड्डा खोदने की कोशिश की थी ईयर 1970 में,
और साथ ही में उन्होंने 40,318 फीट तक अंदर जमीन के होल भी किया था और उसके बाद गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कोई खड्डा खोद ही नहीं पा रहा था, तो वहीं पे उस काम को रोका गया। और साथ ही में ये पूरे दुनिया का सबसे गहरा खड्डा माना जाता है जो कि इंसानों द्वारा खोदा गया हो। दोस्तों अगर आप कभी चाइना जाना तो वहाँ के पार्किंग लॉट में आपको कुछ एक ऐसा साइन देखने को मिलेगा और ये साइन का मतलब है कि ये जगह पहले से वुमेन के लिए अलॉटेड है, मतलब यहाँ पर सिर्फ वुमेन की गाड़ियाँ ही पार्क हो सकती है क्योंकि आप जानते हो कि वुमेन इतना अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकती, तो इसलिए उन्हें पार्किंग ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये सब जगह पहले से ही वुमेन के लिए अलॉटेड होती है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी और चौड़ी भी होती है ताकि वो आसानी से पार्क कर सके। और चाइना में ये पार्किंग साइन बनने के बाद वहाँ पे एक्सीडेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। दोस्तों अभी फिलहाल में यूटल डेजर्ट जो कि बसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट में ग्रेट सॉल्ट लेक और नेवाडा बॉर्डर के बीच, तो कुछ महीनों पहले वहाँ पर एक ऐसा मेटल पाया गया है जिसे देखकर वहाँ के सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए और उस मेटल को मोनालिथ नाम दिया गया है। और साथ ही में माना जा रहा है कि वो वहाँ पर वो मेटल एलियंस छोड़कर गए हैं और ये मेटल लगभग 12 फीट का है और साथ ही में साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं कि ये कहाँ से उगाया और कैसे आया, पर फिलहाल अभी साइंटिस्ट को कुछ खास खबर नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि एलियंस वहाँ पर वो मेटल छोड़ के गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज भी इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं और खाने को खाना नहीं, तो उन जैसे लोगों के लिए जर्मनी, इस देश को तो आप सभी जानते ही होंगे, तो उन जैसे लोगों के लिए जर्मनी ने उल्म नामक सिटी में बहुत सारे स्लीपिंग पॉड्स तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास घर नहीं है वो उसके अंदर जाके रात को या फिर दिन में भी सो सकता है और कोई उसे मना नहीं करेगा। और साथ ही में जिस टीम ने इस स्लीपिंग पॉड्स को डिजाइन किया है उन्हीं लोगों ने साल 2018 में स्लीपिंग कैप्सूल बनाने का भी प्लान किया था पर उसे स्थगित करके उन लोगों ने इसे तैयार किया। मेरा मानना है कि धीरे धीरे स्लीपिंग पॉड्स को हर देश में होना चाहिए, इससे बहुत लोगों की तकलीफें दूर हो सकती हैं। अगर आपका भी मानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना और साथ ही में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखते रहिए बी विद द बेस्ट दुबे का ज्ञान।